नैना को रोते देखकर उसने नैना के चेहरे को साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, नैना ने धीरे से अपने हाथों को उठाकर ध्रुव के गालों पर लगा दिया। वो अपनी उंगलियों को ध्रुव के चेहरे के एक एक कोने पर ले जा रही थी। पहले उसने उसकी भौहें छुई, फिर उसके कानों को छुआ, फिर उसके हाथों को और फिर उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि नैना क्या कर रही है, मगर वो जो भी कर रही थी उससे ध्रुव को बहुत ही सुकून मिल रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ ध्रुव, ये हेवन नहीं है। और मैं कोई एंजल नहीं नैना, मैं ध्रुव हूँ। नैना और ध्रुव एक दूसरे से ऐसे ही सवाल जवाब करते रहे जब तक मिष्टी की नींद नहीं खुली थी। जब मिष्टी जागी उसने अपनी माँ को होश में आया देखकर बोला, मम्मा आप जाग गई, अच्छे अंकल ने सच कहा था। जैसे ही नैना ने मिष्टी की आवाज सुनी उसने तुरंत ध्रुव के चेहरे से हाथ हटाकर मिष्टी की तरफ हाथ लहराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिष्टी। गुड मॉर्निंग मम्मा, मिष्टी ने आपको बहुत याद किया। मिष्टी ये बोलते हुए तुरंत नैना के बेड के पास आ गई, फिर उस पर चढ़ते हुए नैना के बगल में लेटकर उसे गले लगा लिया। नैना ने भी मिष्टी को गले लगाते हुए बोला, मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया मिष्टी। तभी मिष्टी ने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, अंकल आपने बिल्कुल सच कहा था, मम्मा सुबह जाग जाएगी। ध्रुव जो नैना के बगल में ही चेयर पर बैठा था, मिष्टी की तरफ उसने देखा और फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा, क्या सच में मिष्टी? थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर और नर्स वार्ड में नैना को देखने आए। आखिरी में जब वो चेकअप करके जाने लगे तो ध्रुव ने उन्हें रोकते हुए पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? डॉक्टर ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ध्रुव, मिस नैना की रिकवरी बुरी नहीं है, बस वो कभी कभी अपनी कलाई में नंबनेस फील कर सकती हैं और ये एकदम नॉर्मल होगा, मगर ध्यान रहे वो बहुत अच्छा रेस्ट करें तभी वो जल्दी रिकवर कर सकती हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। बहुत दिनों बाद डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव के माथे की चिंता की लकीरें अब गायब हुई थीं। ध्रुव को डॉक्टर ने जो जो कहा उसने बहुत ध्यान से अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस वक्त वो नोट बनाने में ऐसे बिजी था जैसे कोई स्टूडेंट अपने लेक्चर को ध्यान से सुनकर नोट बना रहा हो। वहीं बेड पर लेटी नैना उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसने कुछ पल के लिए अपनी पलकें भी नहीं झपकी। वो ध्रुव को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब डॉक्टर और नर्स वार्ड से चले गए। वहीं ध्रुव ने जब नैना को अपने आप को ऐसे घूरते हुए देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और नैना के पास आकर खड़ा हो गया। बताओ क्या देख रही हो? नैना ने तुरंत पलक झपकते हुए कहा, कुछ नहीं बस यूं ही। नैना की इस बात पर ध्रुव मुस्कुराया। अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ। मुझे भूख नहीं ध्रुव। नैना ने अपने सर को ना में हिलाया और फिर नन्ही मिष्टी को देखकर पूछा, क्या मिष्टी को आज स्कूल नहीं जाना? चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं लाल अंकल को ड्रॉप करने बोल दूंगा और तुम्हारे लाल अंकल तुम्हें लेने भी आ जाएंगे। तभी उन दोनों की बातों को रोकते हुए नैना ने कहा, मैं कब से बेहोश थी ध्रुव? ये सुनते ही ध्रुव ने नैना की तरफ पलट कर कहा, 3 दिन। नैना ये सुनकर चौंक गई, और इन 3 दिन से तुम यहीं हो और कोई नहीं था क्या? ये सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। उसने नैना की बातों को गलत समझ लिया था। उसने अपने उदास चेहरे से नैना को देखते हुए कहा, चिंता नहीं करो, बहुत जल्द मेरी जगह कोई और आ जाएगा। नैना ध्रुव की बात से हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसका मूड अचानक ही खराब हो गया। तभी ध्रुव ने नैना के चेहरे को देखा, वो उदास हो चुकी थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बस मुझे थोड़ी थकावट हो रही है, नैना ने ध्रुव को जवाब दिया और फिर अपने चेहरे को पिलो में छुपा लिया। तभी ध्रुव ने बोला, तो फिर थोड़ी देर और आराम कर लो। ध्रुव ने धीरे से उसके पैरों के नीचे दबी चादर को उठाया और फिर उसको उड़ा दिया। ध्रुव के थोड़ा दूर जाते ही नैना ने ऐसे सोने का नाटक किया जैसे वो गुस्से में हो।
कुछ ही समय बाद रतनलाल नन्ही मिष्टी को लेने अस्पताल आ गया। उसके आते ही वहीं मिष्टी के पास खड़े ध्रुव ने नैना को देखा जो बाहर की ओर पीठ करके सो रही थी। फिर वो मिष्टी को वार्ड के बाहर ले आया और फिर रतनलाल से कहा, मिष्टी ने नाश्ता नहीं किया है, पहले उसे नाश्ता खिला देना याद से, उसके बाद उसे किंडरगार्टन छोड़ देना, और हाँ याद से उसे लाने के लिए भी चले जाना किंडरगार्टन शाम को। हाँ, रतनलाल ने सिर हिलाया और छोटी बच्ची के हाथ को पकड़कर जाने लगा। तभी ध्रुव को कुछ याद आया, उसने रतनलाल को रोक लिया। अच्छा हाँ, एक बात और, हरीश को इन्फॉर्म करना याद रखना कि नैना अब होश में आ गई है, वो अब गौतम को वापस आने के लिए बोल दे, उसे भी अब नैना के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। ओह, ध्रुव की बातें सुनकर रतनलाल खुद को रोक नहीं सका और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, पर आप तो हैं ना यहाँ। रतनलाल की बात से ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रतनलाल ने जब ध्रुव के चेहरे को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव सर ऐसा क्यों चाहते हैं। अब जब नैना मैडम अस्पताल में एडमिट हैं, तो क्या वो खुद उनकी देखभाल नहीं कर सकते? आखिर यही तो मौका है उनके दिल में जगह बनाने की। आखिर वो क्यों गौतम सर को वापस लाना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? बेहतर होगा तुम वो फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, ध्रुव ने रतनलाल के चेहरे को देखकर कहा। तभी उसने फिर आगे कहा, हरीश से पूछ लेना, वो तुम्हें याद से बता दे कि गौतम कब वापस आ रहा है। इसके अलावा जहांगीर हाउस के शेफ से दोपहर में नैना के लिए दलिया और सूप तैयार करने के लिए कहना। बाकी इस पेपर पर मैंने लिख दिया है, याद से वो सूप में ये सब डाले। ध्रुव ने रतनलाल को कागज के दो टुकड़े दिए और फिर मिष्टी को बाय बोला। रतनलाल ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ और कहा, फिर मैं पहले मिष्टी को ब्रेकफास्ट कराते हुए ये ऑर्डर कर देता हूँ, फिर उसे किंडरगार्टन ले जाता हूँ। ध्रुव ने रतनलाल की बात पर हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और नन्ही प्यारी को अलविदा कहा। रतनलाल मिष्टी को वहां से ले जाता है। उन्हें जाते देखने के बाद ध्रुव काफी देर तक बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा रहा। अंदर नैना उन लोगों की बातें सुन रही थी। ध्रुव जब बहुत देर तक वापस नहीं आया तो नैना परेशान हो गई। वो क्या कर रहा है बाहर इतनी देर तक? रतनलाल अभी तक गया नहीं क्या? नैना को काफी देर बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसे आता सुनकर नैना ने जल्दी अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करती रही। ध्रुव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और वार्ड में अंदर आ गया। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर की ओर चलने के लिए मुड़ा। उसके कदम बहुत धीमे और बहुत हल्के थे। उसे डर था कि वो नैना को जगा देगा। जब वो नैना के बिस्तर के पास तक चला आया तो वो वहीं रुक गया और वहीं खड़ा हो गया। कितना समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। लंबे समय के बाद नैना मन में कुछ सोचकर बहुत घबरा गई। वो झुक रहा था? वो क्या कर रहा था? क्या वो चुपके से उसे चूम रहा था? ध्रुव ने नैना को सोते देखा और उसके माथे पर हल्का सा किस दे दिया। ये करने के बाद ध्रुव ने वार्ड की सफाई शुरू कर दी। नैना का दिल अजीब तरह की भावनाओं से अंदर तक हिल रहा था। उसने उसे क्यों किस दिया? क्या उसे पता लगाना चाहिए कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है? अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। ध्रुव उसके बिस्तर से उन खिलौनों को एक एक करके अलग कर रहा था जिन्हें छोटी मिष्टी ने बेड पर फैला दिया था। उसने उन सबको उठाया और फिर सोफे पर रख दिया। फिर गंदे कपड़े जो उसने बदले थे वो अपने स्टोरेज बैग में रख दिए। वो दोपहर में रतनलाल के आने का इंतजार करने वाला था और उसे उन्हें लेने के लिए देने वाला था। अचानक उसके पीछे से नैना की आवाज आई, मुझे डर है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। ये सुनते ही ध्रुव के हाथ से बैग छूट गया। उसने पैकिंग करना बंद कर दिया और उसी समय उसकी पीठ सीधी हो गई और वो अकड़कर वहीं खड़ा रह गया। क्या उसने कुछ सुना? उसने कुछ कहा क्या? मुझे डर है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी, यही कहा क्या उसने? वो अचानक मुड़ा और नैना को गले लगाने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो खड़े खड़े ही मन में उससे गहरे प्यार से कहने लगा, मुझे भी डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जब उसने देखा कि नैना अपनी पीठ के बल सो रही है तो उसका पूरा शरीर जम गया, जैसे कि उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को
जाप लगा दिया गया हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नैना तो ये सब नींद में बोल रही थी। वो सो चुकी थी, वो सपना देख रही थी। अगर वो सच में ऐसा कहना भी चाहती तो ये उसके लिए नहीं कहती। ये विचार अभी ध्रुव के लिए इतनी ठंडक में उसके ऊपर उड़ेले ठंडे पानी की एक बाल्टी की तरह था, जो अभी अभी ध्रुव की भावनाओं को बुझाकर चला गया था। वो कुछ देर बाद धीरे धीरे अपने होश में आया, फिर उसने नैना की पीठ की ओर देखा और अपने जीवन के सबसे प्यार भरे लहजे में मन में जवाब दिया, अच्छा हुआ हमारे बीच ये सब 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है, ये सब अब दोबारा हो ही नहीं सकता। बहुत देर तक लेटे लेटे उसका इंतजार करने के बाद जब उसने ध्रुव का जवाब नहीं सुना तो नैना बहुत घबरा गई। आखिर उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उसने सुना नहीं जो मैंने कहा? वो मेरी इस बात से घबरा गया? क्या मुझे उसे दोबारा बोलना चाहिए क्या? ये सोचते सोचते नैना परेशान हो गई। फिर उसने अपने दिल में दर्द को दबाते हुए कंबल को कसकर खींच लिया और ध्रुव के करीब आने का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद ध्रुव की कोमल आवाज उसके पीछे से सुनाई दी, तुम मुझे अब शायद कभी नहीं देख पाओगी। ये क्या बोल रही हो तुम नैना? क्या तुम नींद में हो? जो तुम्हारे साथ हुआ उसके पहले तुम क्या सोच रही थी? क्या वही याद कर रही हो तुम? तुम चिंता नहीं करो, ये पहले ही खत्म हो चुका है, इस तरह की बात दोबारा नहीं होगी। हालांकि ध्रुव ने आंखें बंद की हुई नैना से वो नहीं कहा था जो सुनने के लिए वो तड़प रही थी, पर फिर भी ये बात उसके दिल को सुकून देने के लिए काफी थी। वो अभी अभी कोमा से उठी थी और बहुत कमजोर थी। उसकी भावनाएं बढ़ रही थीं और गिर रही थीं, इसलिए उसने बहुत सारी अपनी एनर्जी को ध्रुव को करीब लाने में लगा दिया। वो थोड़ी ही देर में थक गई, उसे आंख बंद करते ही नींद आ गई और वो बहुत देर बाद फिर सो गई। तभी ध्रुव नैना के बिस्तर के पास पहुंचा और उसने सोती नैना की सांसें सुनी। हालांकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो अभी अपनी नींद में बात कर रही है। इसको कंफर्म करने के बाद वो चुपचाप नैना के करीब चेयर खिसकाकर बैठ गया। उसका दिल उसकी मदद नहीं कर रहा था, वो अब और खोया हुआ महसूस करने लगा। उसकी आंखें भी किसी अनजाने दुख से भर गई थीं। क्या ये दुख नैना को ध्रुव से अलग होने पर मजबूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। गहरी नींद में सो रही नैना की आंख खुली तो उसने सामने खिड़की पर एक व्यक्ति खड़ा देखा जो आसमान को देख रहा था। उसके लंबे कद से खिड़की का ज्यादातर हिस्सा ढक गया था। पता नहीं लेकिन क्यों बिना उसका चेहरा देखे नैना उसके अंदर के अकेलेपन को महसूस कर रही थी। उसका बस चलता तो अभी उठकर उसकी बाहों में खुद को समा देती, उसे यह एहसास कराती कि वो अकेले नहीं है, वो हमेशा उसके साथ है, शरीर से नहीं आत्मा से। नैना के जागने की आहट सुनते ही वहां खड़ा ध्रुव पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। अपने कमजोर शरीर से नैना उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर ध्रुव तुरंत उसे संभालने के लिए उसके पास जाता है और उसे सहारा देते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, क्या उठने की कोशिश कर रही हो? ध्रुव के हाथों के सहारे आधी लेटी हुई नैना ने अपनी पलकें उठाकर उसकी नजरों में देखा। गहरी आंखें जो उसे कह रही थीं, हाँ वो तुम ही हो जो उस अकेलेपन को दूर कर सकती हो। उसका बस चलता तो सारी जिंदगी यूं ही उसकी गर्म हाथों के सहारे गुजार देती, इससे ज्यादा अपनापन शायद ही उसे कहीं और मिले। नैना के इस तरह घूरने से ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा वो उससे नाराज तो नहीं। उसने धीरे से कहा, कुछ बोलो भी। ध्रुव के दोबारा कुछ पूछने पर नैना को रियलाइज होता है कि वो उसे बहुत देर से देख रही है। वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ध्रुव एक बार फिर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, तुम बैठना चाहती हो? हाँ, ओके। कहते हुए ध्रुव हौले से नैना की कमर में हाथ डालकर उसे बैठाता है। नैना को बैठने में आसानी हो इसलिए वो उसके पीछे एक तकिया भी लगा देता है। ध्रुव के सहारे बैठते हुए नैना लगातार उसी को देख रही थी।
कुछ कहने के लिए उसका मुंह कई बार खुला, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार उसने खुद को रोक लिया। नैना को अच्छे से बैठाने के बाद ध्रुव उसके बाजू में बैठता हुआ बोला, तुम दिन भर से लेटी हुई हो, शायद अब भूख लगी होगी, कुछ खाना पसंद करोगी? नहीं, भूख नहीं है। तो कुछ हल्का खा लो, फ्रूट्स खाओगी? ध्रुव ने बाजू वाली टेबल से फ्रूट्स की प्लेट उठाते हुए कहा। उसने प्लेट में से एक स्ट्रॉबेरी उठाकर नैना के मुंह की तरफ बढ़ाई। ध्रुव उसे खाते देख रहा था। जैसे ही उसके मुंह की स्ट्रॉबेरी खत्म हुई, ध्रुव ने तुरंत दूसरी उठाकर फिर उसकी तरफ बढ़ा दी, पर नैना उसे खाने से मना कर देती है। अब मेरा मन नहीं है, इनकी साइज बहुत बड़ी है, मेरे मुंह में नहीं आ रही। नैना का बहाना सुनकर ध्रुव अपना हाथ पीछे खींचकर स्ट्रॉबेरी को वापस रख देता है। कुछ पल उसके चेहरे को देखकर वहां से वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। ध्रुव को इस तरह उठकर जाते देख नैना को लगा कि उसके मना करने से उसे कहीं बुरा तो नहीं लग गया। वो इतने प्यार से उसे खिला रहा था, पर उसने कद्र ही नहीं की, उसे वो खा लेना चाहिए था। नैना ये सब सोचने में लगी थी कि तभी ध्रुव वॉशरूम से हाथ धोकर वापस आता है। टेबल पर रखे चाकू को उठाकर स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस करना शुरू कर देता है। ये देखकर नैना हैरान रह जाती है और आंखें बड़ी करके ध्रुव को काम करते देखती रहती है कि तभी वो एक छोटा सा पीस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। इस बार नैना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ध्रुव को देखती हुई उस छोटे से लाल स्ट्रॉबेरी के पीस को मुंह में रख लेती है। अब पीसेस बड़े तो नहीं? ध्रुव नैना के मजे लेते हुए कहता है। नहीं, नैना शर्म से अपना चेहरा नीचे करते हुए कहती है। 3-4 पीसेस खाने के बाद नैना एक और उठाकर काम कर रहे ध्रुव की तरफ धीरे से बढ़ा देती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे अपने मुंह में दबा लेता है। जैसे ही हरीश वार्ड के अंदर आया, सामने ये रोमांटिक सीन देखकर दंग रह गया। ध्रुव नैना के पास बैठा इतने प्यार से उसके लिए स्ट्रॉबेरी काट रहा था। वहीं नैना अपने छोटे सॉफ्ट हाथों से ध्रुव को वही स्ट्रॉबेरी के पीसेस खिला रही थी। इन दोनों में कितना प्यार है, कोई भी देखकर बता देता। ध्रुव का नैना की इतनी केयर करना, तो नैना का ध्रुव के लिए इतना लगाव, ऐसा हर जगह देखने नहीं मिलता। इस जगह गौतम सर भी होते तो पीछे हट जाते। हरीश को लगा ये सही वक्त नहीं यहाँ आने का, शायद उसकी वजह से वे डिस्टर्ब हो जाएं। इसलिए वो अपना सर खुजलाता हुआ बाहर निकलने के लिए तैयार होता है कि तभी नैना उसे देख लेती है। अरे हरीश, तुम अंदर आ जाओ। नैना की आवाज सुनकर ध्रुव अपना सर घुमाकर हरीश को घूरता है, जिसकी आंखों में उसके आने की कोई खुशी नहीं थी। ध्रुव की घूरती नजरों को हरीश एक पल में पहचान लेता है। वो मन में सोच रहा था, माफ करना ध्रुव सर, कसम से मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब कैसी तबीयत है मैम आपकी? अब हरीश वापस तो नहीं जा सकता था, इसलिए इनोसेंट फेस बनाते हुए वो अंदर गया। ध्रुव से नजरें चुराते हुए फ्रूट्स की बास्केट टेबल पर रखी और बेचारा सा खड़ा हो गया। हालांकि हरीश का ये पैंतरा ध्रुव पर कोई काम ना आया, वो तो सर नीचे किए अपनी स्ट्रॉबेरी को काटने में व्यस्त था। सारी स्ट्रॉबेरीज को काटने के बाद उसने प्लेट टेबल पर रखी और वेस्ट को बाहर फेंकने निकल गया। अब तो काफी ठीक हूँ, आपने आने की तकलीफ की उसके लिए थैंक यू, नैना ने धीरे से कहा। हरीश का ध्यान इस वक्त नैना से ज्यादा ध्रुव पर था। वो बार बार अपनी चोर नजरों से ध्रुव को देख रहा था, जो उसे भूलकर अपने काम में लगा हुआ था। उसने ध्रुव को सुनाने के लिए थोड़ा जोर से कहा, हाँ तो क्या हुआ मैम, मेरी ड्यूटी है ये तो, वैसे मैं शाम को आने वाला था पर सोचा अभी ही चलूं। अच्छा हरीश, ये स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी है, खाकर देखो, नैना ने टेबल पर रखी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नैना तो अपने भोलेपन में ये कह रही थी, लेकिन हरीश की हवा टाइट हो गई। उसने मन में कहा, नैना मैम ये क्या कर रही हैं? आपका मुझे मरवाने का इरादा है क्या? ध्रुव ने इतने प्यार से एक एक स्ट्रॉबेरी को अपने हाथ से काटा है और मैं उनके सामने ही? नहीं नहीं, मैंने तो मीठा खाना ही छोड़ दिया है, क्या है ना डाइट करना भी जरूरी है, इसलिए मीठे से अभी परहेज है। ओके, हरीश की बात सुनकर नैना ने स्ट्रॉबेरी खाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया, बल्कि सोफे पर बैठकर कुछ बातें की। अचानक उसे याद आया
कि हरीश स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकता कोई बात नहीं, लेकिन वो उसे कुछ और तो खिला ही सकती है। वो ध्रुव से हरीश के लिए दूसरे फ्रूट्स काटने को कहती है। हरीश जो सोफे पर बैठा लगातार ध्रुव को देख रहा था। नैना के ये कहने पर उसकी तो जैसे जान हलक में आ जाती है। वो नैना को बार बार मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वही वो ध्रुव की नजरों को देख देख कर डर रहा था। आखिर हिम्मत करके वो नैना से कहता है, अच्छा मैम, आपकी इजाजत हो तो मुझे ध्रुव सर से कुछ बात करनी है। ओके, तो आप लोग बात कर लो, नैना ने काम कर रहे ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ताकि वो भी हरीश को कुछ टाइम दे। नैना की बात सुनकर ध्रुव समझ गया कि नैना क्या कहना चाहती है। वो अपने काम छोड़कर उसके पास आता है, उसे कोट ओढ़ाता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। ध्रुव को बाहर जाते देख अब हरीश की जान में जान वापस आई। वो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, अच्छा ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहता हुआ वो भी ध्रुव के पीछे निकल जाता है। ठीक है मिस्टर हरीश, थैंक यू आने के लिए। हरीश को बाहर जाते देख नैना टेबल से स्ट्रॉबेरीज की प्लेट उठाकर फिर से खाना शुरू कर देती है, ताकि जब ध्रुव वापस आए तो वो उसे बता सके कि उससे सब कुछ खत्म कर लिया। हरीश वार्ड से बाहर आया, उसने देखा ध्रुव कॉरिडोर के साइड में बनी खिड़की में चुपचाप खड़ा बाहर देख रहा है। इतना शांत किसी रुके हुए पानी जैसा, जिसके अंदर कितनी गहराई है कोई नहीं जानता। उसने तेजी से ध्रुव के पास जाते हुए कहा, सर, गौतम सर ने कहा है कि वो इस वक्त वापस नहीं आ सकते। हरीश की बात सुनकर ध्रुव की आंखें और गंभीर हो जाती हैं। वो पीछे मुड़कर उसे देखता हुआ कहता है, क्या कहा? इन दो शब्दों के पीछे कितना कुछ था हरीश ही जानता था, लेकिन अभी उसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसी बात को दोहराने के। उसने थूक निगलते हुए कहा, सर, वे कोई बहुत बड़े काम में फंसे हुए हैं, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएंगे। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? नैना को इस हाल में छोड़कर वो काम कर रहा है? नैना से जरूरी काम क्या होगा? ध्रुव की आवाज सुनकर हरीश का सर झुक गया। कुछ और बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना ध्रुव का गुस्सा और बढ़ जाता। वैसे भी नैना का इस तरह ख्याल रखना शायद ही किसी और के बस का हो। इतनी चिंता, अपनी जान से ज्यादा उसकी फिक्र करना कोई आसान बात तो नहीं थी। इस वक्त हरीश चाहकर भी गौतम की साइड नहीं ले सकता था, इसलिए उसने शांत रहना ही सही समझा। बोलो। लेकिन ध्रुव हरीश की बात से नाराज हो गया था। उसके कुछ न कहने पर उसने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, अगर हरीश अभी गौतम की साइड लेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं जिससे वो उसे बचा सके। गौतम उसके लिए जरूरी था, पर अभी ध्रुव को कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो मैं सर माफ करना, मैं इस मामले में कुछ भी कैसे कहूँ? हरीश को लगा कि कुछ न कहने से वो बच जाएगा, लेकिन उसके इस आंसर से ध्रुव का पारा और चढ़ गया। उसने झटके से हरीश की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तो क्यों आए यहाँ टाइम पास करने? इस वक्त हरीश की सांसें तेज हो गईं, उससे थूक निकलाना जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ध्रुव गौतम का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है। आखिर वो कैसे बता दे गौतम के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो बस उसका मैसेज पास करने आया था और वो फंस गया। जाकर गौतम से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो नैना को देखने यहाँ आए, वरना मुझे उसके पास जाकर खुद उसे लाना पड़ेगा। अंदर बैठी नैना कहीं सुन न ले, इसलिए ध्रुव ने हरीश की कॉलर छोड़ते हुए कहा। ध्रुव के छोड़ते ही हरीश को खांसी आ गई। उसे कंट्रोल करते हुए वो अपने मुंह पर रुमाल रख लेता है। हरीश के कुछ न कहने पर ध्रुव फिर अपनी नजरें घुमाता हुआ कहता है, तुमने सुना ना जो मैंने कहा? हरीश को कितनी भी खांसी आ रही हो, इस वक्त वो चुप नहीं रह सकता था। उसने खांसने के बीच में ही कहा, सुन लिया सर। हरीश का जवाब सुनकर ध्रुव वापस खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। वहीं हरीश जवाब देते ही तेज कदमों से निकल गया। उसने सोच लिया था अब यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। कौन ऐसा पागल होगा जो ध्रुव मित्तल के गुस्से का सामना करेगा? हरीश यहाँ से कब निकल गया ध्रुव को पता भी न चला। उसे इसकी जरा भी फिक्र न थी कि हरीश उसके बारे में क्या सोचेगा। उसे चिंता थी तो बस नैना की। इस हालत में भी गौतम उसे देखने नहीं आया तो? खिड़की पर खड़ा वो यही सोच रहा था कि गौतम के न आने से नैना को कितना बुरा लगेगा।
क्या ध्रुव गौतम को वापस लाने जाएगा? क्या नैना इस हादसे के बाद संभल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम पर। खिड़की पर खड़े हुए ध्रुव के सामने नैना का चेहरा था। हरीश के साथ इस तरह पेश आने का उसे जरा भी ख्याल न था। वो तो बस ये सोच रहा था कि गौतम को ऐसा क्या काम है जो नैना से भी जरूरी है। अगर नैना को इस बात का पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। अगर गौतम उसे वक्त नहीं देगा तो नैना भी उसके लिए दुखी हो जाएगी। ये सोचते हुए उसने डिसाइड कर लिया कि नैना अभी उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं है जहां वो ये सब झेले, इसलिए अब उसे सब के बारे में न ही पता चले तो बेटर है। हाँ, वो उसे गौतम के बारे में सोचने का मौका नहीं देगा। वो कुछ दिनों के लिए नैना को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहकर उसका मन बहलाता रहेगा। इतना सब कुछ सोचते सोचते ध्रुव कब वार्ड के दरवाजे पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। उसके कदम भले ही दरवाजे पर आ गए हों, लेकिन दिमाग अभी भी नैना के ही ख्यालों में लगा हुआ था। सामने बेड पर बैठी नैना ने अपनी प्लेट की आधी स्ट्रॉबेरी खा ली थी, अब बचे हुए पीस को उदासी भरे मन से छू रही थी। ये कह सकते हैं कि जब से ध्रुव हरीश से बात करने बाहर गया था तभी नैना ने अपने हिस्से की स्ट्रॉबेरी खत्म कर ली थी और अब बैठी ध्रुव का वेट कर रही थी। लेकिन काफी देर तक ध्रुव के न आने से उसका मन उदास हो गया। वो नीचे सिर किए ध्रुव का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे सामने ध्रुव दरवाजे पर दिखाई देता है। ध्रुव को देखकर नैना चौंक जाती है, लेकिन वो तो अपने ही मन में कहीं खोया हुआ था। नैना के लगातार देखने के बाद ध्रुव चुपचाप अंदर आता है और उसके बेड की तरफ बढ़ जाता है। वो कहाँ खोया हुआ है, क्या सोच रहा है, ऐसी क्या बात हुई हरीश से जो ध्रुव का मूड चेंज हो गया? शायद उसके और हरीश के बीच बिजनेस को लेकर कुछ सीरियस बातें हो गई हैं। नैना ध्रुव को इतना घूर रही थी फिर भी वो अपने ख्यालों में खोया हुआ उसके पास जा पहुंचा। अचानक से उसकी नजर फिर से नैना पर पड़ी, तब जाकर उसे होश आया। उसने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ध्रुव के ऐसा पूछने से नैना चौंक जाती है। एक तो पहले से ही ध्रुव का ध्यान उस पर नहीं था, ऊपर से वही उससे ये पूछ रहा है। वो अपने हाथ की प्लेट को ध्रुव की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, ये लो तुम्हारे लिए। ध्रुव एक सेकंड पहले ही होश में आया था कि नैना ने उसके आगे ये प्लेट बढ़ा दी। सामने स्ट्रॉबेरी से भरी प्लेट देखकर वो समझ नहीं पाता। उसने नैना के हाथ को पीछे करते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए काटे थे, मैं अपने हिस्से के सारे खा चुकी, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं। नैना ने वापस ध्रुव के आगे वो प्लेट कर दी। बाहर की बातचीत से ध्रुव का मूड खराब हो गया था। उसके मन में ये आया ही नहीं कि नैना ऐसा कुछ सोच सकती है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो नैना के हाथ से प्लेट ले लेता है और उसमें से एक पीस उठाता हुआ कहता है, थैंक यू, कोई बात नहीं। वैसे तुम इतनी देर से सोच क्या रहे हो? नैना की बात सुनकर ध्रुव को रियलाइज होता है कि काफी देर से नैना पर ध्यान न देकर वो अपने में ही खोया हुआ है। वो उससे कुछ कहने को होता है कि तभी उसके हाथ की प्लेट कुछ हिल जाती है और स्ट्रॉबेरी का रस उसके हाथ पर जा गिरता है। सामने बैठी नैना ये देखकर तुरंत एक टिश्यू उठाती है और रस को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है। रस को साफ करने के चक्कर में नैना ध्रुव के इतने पास कब पहुंच गई उसे ही नहीं पता चला। नैना की गर्म सांसें ध्रुव की ठंडी सांसों से टकरा गईं। कुछ सेकंड यूं ही रहने के बाद नैना को फिर रस के बारे में याद आता है। वो टिश्यू को लेकर ध्रुव की शर्ट की तरफ बढ़ती है ताकि वो खराब ना हो जाए, लेकिन वो पहले ही लेट हो चुकी थी। प्लेट का सारा जूस ध्रुव की शर्ट पर आकर उसको गंदा कर चुका था। ये तो गंदी हो गई, नैना ने ध्रुव को देखते हुए कहा। उसे पता था ध्रुव को गंदे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने बचाने के लिए टिश्यू उठाया था। लेकिन उसके इतने करीब आने से उसका सारा ध्यान ध्रुव की गहरी आंखों पर चला गया। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। ध्रुव ने नैना से टिश्यू लेकर अपने हाथ साफ किए, फिर अपने बैग से एक शर्ट निकालकर वॉशरूम की तरफ निकल गया।
कुछ ही देर में वो अपने हाथ में जूस से गंदी हुई शर्ट को लेकर आता है और बैग में रखने को आगे बढ़ता है कि तभी नैना उसे रोक देती है। नहीं रुको, ये जूस सूखने के बाद शर्ट में दाग छोड़ जाएंगे और अगर दाग लग गया तो फिर वो नहीं छूटने वाले। नैना की बात सुनकर ध्रुव वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लाओ मैं इसे धो देती हूँ। ये कहते ही नैना ने अपना ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठने ही वाली थी कि ध्रुव उसे वहीं रोक देता है। अरे क्या कर रही हो, तुम वहीं रहो, मैं करता हूँ। ध्रुव उसके पास आकर वापस ब्लैंकेट उड़ा देता है। नैना चौंक जाती है, ध्रुव उसे बिस्तर से हिलने देना भी नहीं चाहता। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करके ऑर्डर देती हुई कहती है, ठीक है मैं यहीं से तुम्हें बताती जा रही हूँ क्या क्या करना है, तुम उसे फॉलो करते जाना। ये कहकर वो ध्रुव से लिक्विड हाइड्रोजन और पानी का बर्तन मांगती है। कुछ ही देर में वो नर्स से हाइड्रोजन लेकर वापस आ जाता है। अब इसे पानी में घोलकर कुछ देर शर्ट को इसी में भिगोकर रगड़ो। ध्रुव नैना के कहे अनुसार एक एक स्टेप से चल रहा था, हालांकि उसने कभी ये सब काम नहीं किए थे, लेकिन नैना की हेल्प से उसे सब समझ आ रहा था। कुछ देर शर्ट को रगड़ने के बाद ध्रुव ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब इसे पानी से वॉश कर दूं? इस वक्त ध्रुव नैना के बिना बताए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे वो कोई गुरु हो और वो उसका स्टूडेंट। ध्रुव को इस तरह देखना नैना के लिए काफी क्यूट था, किसी बच्चे जैसा उसे समझाना। ध्रुव अपने काम में इतना व्यस्त था कि दरवाजा नॉक होने की आवाज भी सुनाई न दी। एक दो बार नॉक करके रतनलाल आखिर मिष्टी को लेकर अंदर आया तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। नैना के बेड के सामने बैठा ध्रुव अपनी शर्ट को रगड़ रहा था और नैना से पूछ रहा था, देखो निकल गया इसका दाग। रतनलाल ने इससे पहले कभी ध्रुव को कपड़े धोते नहीं देखा था, लेकिन जो खुशी आज उसके चेहरे पर थी वो भी उसने कभी नहीं देखी। भले ही उसने करोड़ों की डील की हो, लेकिन आज एक छोटे से काम करने पर उसका फेस अलग ही चमक रहा था। दाग भी साफ और अच्छे अंकल की शर्ट उनके क्यूट फेस जैसे चमक गई। रतनलाल का हाथ थामे मिष्टी को लगा ध्रुव के सवाल का जवाब उसे ही देना चाहिए। वो बिना किसी को मौका दिए बोली, लेकिन रतनलाल मिष्टी से बोला, क्यूट बेटा, अच्छे अंकल की शर्ट गीली है, मतलब उनका फेस भी उसी तरह गीला गीला। रतनलाल को बहुत ही कम मौका मिलता था जब वो ध्रुव के मजे ले सके, अभी इस तरह काम करते देख उसे पहले ही मौका मिल गया था। ऊपर से मिष्टी ने उसका काम आसान कर दिया, वो कैसे इस मौके को छोड़ देता, उसने हंसते हुए कहा। रतनलाल का पंच सुनकर ध्रुव को शर्म आ जाती है, वो इतनी लगन से इस काम को कर रहा था कि उसे होश ही ना रहा। ऊपर से मिष्टी के कुछ भी कहने से वो उसे डांट भी नहीं सकता था, इसलिए वो वापस अपने काम में लग जाता है। ध्रुव को ऐसे शर्माते देख नैना को वो और भी क्यूट लगने लगा। अपनी स्माइल को छुपाते हुए उसने कहा, बस हो गया, अब इसे पानी में वॉश करके बाहर सूखने के लिए टांग दो। ठीक है। ध्रुव तुरंत उस शर्ट को लेकर बालकनी की तरफ निकल जाता है। जैसे ही ध्रुव बालकनी की तरफ निकला, मिष्टी दौड़कर नैना की गोद में चढ़ गई और उसे आज किंडरगार्टन की बातें सुनाने लगी। नैना भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहीं रतनलाल ने नैना का लंच बॉक्स टेबल पर रखा और बाकी सारी चीजों को ठीक करने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से जमा कर अब वो बैठा ध्रुव का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब काफी देर तक ध्रुव वापस नहीं आया तो रतनलाल ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, नैना मैम लगता है सर को टाइम लगेगा, आप प्लीज मेरी तरफ से उन्हें कह दीजिएगा कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं निकल गया। नैना जो मिष्टी के साथ खेलती हुई उसकी कहानियों में व्यस्त थी, रतनलाल की बात सुनकर कहती है, ठीक है तुम जाकर अपना काम कर लो, ध्रुव के वापस आने पर मैं उससे कह दूंगी। कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके जब ध्रुव वापस आया तब तक रतनलाल जा चुका था। रतनलाल को ढूंढती ध्रुव की नजरें देखकर नैना समझ जाती है वो रतनलाल को कुछ काम आ गया था इसलिए वो चला गया। अच्छा ठीक है। ध्रुव ने पास आकर टेबल पर रखा लंच बॉक्स उठाया और नैना के सामने बैठकर उसे खोलना शुरू किया। नैना कुछ भी बाहर का नहीं खा सकती थी इसलिए उसके लिए घर का बना सिंपल खाना था।
वहीं ध्रुव और मिष्टी के लिए भी सलाद के साथ रोटी सब्जी थी। अपना खाना देखकर नैना का मुंह बन गया। उसे इस तरह का खाना खाना पड़ रहा था, इसलिए अब उसका मन इससे भर गया था। उसने शिकायत भरे अंदाज में ध्रुव से कहा, ध्रुव यार मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगी, मुझे तुम लोगों के साथ खाना है। मिष्टी को खिला रहा ध्रुव नैना की बात सुनकर रुक जाता है। उसे देखते हुए कहता है, नैना तुम अभी भी ठीक नहीं हो, तुम्हें डाइट के हिसाब से चलना होगा वरना हेल्थ पर असर पड़ेगा। अरे यार नहीं, मुझे नहीं खाना ये उबला हुआ खाना, बस मुझे एक बार वो वाली सब्जी खाने दो। नैना ने अपने हाथ का निवाला नीचे रखकर किसी बच्चे जैसे मचलते हुए बोला, इन सब्जियों में बहुत तेज मसाले हैं, तुम अभी ये नहीं खा सकती। बस आज के लिए, कल से मैं नहीं कहूंगी, नैना ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नहीं, ऐसे एक एक दिन करके तुम्हारी आदत बन जाएगी, ध्रुव ने साफ मना कर दिया। अच्छा बस एक बाइट, नैना ने आखिरी कोशिश की लेकिन ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है मैं अब कुछ बोलूंगी ही नहीं, ये कहते हुए नैना ने वापस चम्मच उठाकर गुस्से में दाल पीना शुरू कर दिया। मिष्टी को खिलाने के साथ साथ ध्रुव नैना के बिगड़े हुए चेहरे को देख रहा था। जब मिष्टी खा चुकी तो ध्रुव वापस नैना की तरफ मुड़ा और उसे समझाते हुए कहा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, टेस्ट के लिए तुम्हारी हेल्थ को तो खराब नहीं कर सकते ना, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं खुद तुमसे कहूंगा कि मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाओ, तब हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, ओके? सच में? पक्का? ध्रुव की बात सुनकर नैना की आंखें चमक गईं। उसके बाद उसने शांति से अपना सारा खाना फिनिश किया। नैना का खाना खत्म होते ही ध्रुव ने उसके बर्तन टेबल पर रखे और मिष्टी को क्लीन करने के लिए वॉशरूम की तरफ निकल गया। क्या ध्रुव की इस देखभाल से नैना हो पाएगी ठीक? क्या मोड़ लेने वाली है इन दोनों की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम पर। जब तक नैना ने अपना खाना खत्म किया, मिष्टी का पेट भी भर गया था। ध्रुव ने पहले नैना के खाली बर्तन को उठाकर साइड में रखा, फिर मिष्टी को क्लीन करने के लिए वॉशरूम ले गया। मिष्टी को अच्छे से क्लीन करके जब ध्रुव उसे वॉशरूम से बाहर लाया तो उसने देखा कि आधी लेटी हुई नैना की बेड पर आंख लग गई है और उसका ब्लैंकेट नीचे गिरने वाला है। ध्रुव जानता था कि नैना का इतनी जल्दी सोना जायज है क्योंकि उसके अंदर अभी भी वीकनेस थी। वो हौले से कदम बढ़ाता हुआ नैना के पास जाता है और उसे सहारा देकर अच्छे से लिटाता है, फिर ब्लैंकेट से नैना को कवर कर देता है। ये देखकर कि नैना की नींद तो नहीं खुली, वो वार्ड की बड़ी वाली लाइट को बंद करके नाइट लाइट ऑन कर देता है। पास खड़ी नन्ही मिष्ठी ध्रुव को नैना की केयर करते देख रही थी। एक पल तो उसे लगा कि ध्रुव जिसकी देखभाल कर रहा है वो भी छोटी सी बच्ची ही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था हमेशा काम में व्यस्त रहने वाली उसकी मम्मी आजकल इतना आराम क्यों करती हैं? उसने ध्रुव के पास जाते हुए धीरे से पूछा, अच्छे अंकल मम्मी तो अभी हमारे साथ खाना खा रही थी, इतनी जल्दी सो कैसे गई? हाँ बेटा, क्योंकि मम्मी अभी भी बीमार है इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके? ये कहते हुए ध्रुव ने मिष्टी को गोद में उठाया और सोफे पर लेट गया। अच्छा ठीक है। मिष्टी ध्रुव की बात कैसे टाल सकती थी, वो भी उसके सीने से लगकर चुपचाप लेट गई। मिष्टी को बिना कहानी सुने नींद नहीं आती थी, इसलिए सोफे पर लेटकर ध्रुव धीरे से उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। वार्ड में एकदम शांति थी, जैसे वहाँ कोई हो ही ना, केवल ध्रुव के मुंह से निकले हुए प्यारे शब्द जो हवा में यहाँ वहाँ तैर कर मिष्टी के कानों तक जा रहे थे। ऐसा लगता था वो कमरा हॉस्पिटल का वार्ड नहीं बल्कि मिष्टी के लिए रची हुई ध्रुव की एक अलग दुनिया हो, जिसमें इस वक्त मिष्टी अपनी मन की आंखों से सब महसूस कर रही थी। जब से नैना उस हादसे से बाहर आई थी उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी, पल पल उसका ध्यान रखना जरूरी था, इसलिए ध्रुव उसे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक उसे खिलाना, उसके साथ बैठना उतना आसान काम नहीं था। नैना की देखभाल में ध्रुव भी काफी थक जाता था। मिष्टी को कहानी सुनाते सुनाते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। ध्रुव गहरी नींद के आगोश में जाने वाला था
कि तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा उसके सीने से चिपकी मिष्टी सो चुकी है। उसने उठकर धीरे से मिष्टी को सोफे पर लिटाया और आधी खुली हुई आंखों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में भरी हुई सारी नींद गायब हो गई। ध्रुव के उठने के कुछ ही देर बाद अचानक नैना की आंख खुल गई। उसने देखा वार्ड में एकदम शांति है। एक छोटे से नाइट बल्ब की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई है। नैना ने सर उठाकर देखा तो उसे सोफे पर मिष्टी सोती दिखाई दी। उसने पूरे वार्ड में नजर दौड़ाई, लेकिन ध्रुव कहीं नजर नहीं आया। वार्ड में ध्रुव को न पाकर नैना अचानक ब्लैंकेट को हटाकर बेड से खड़ी हो जाती है। वो सोफे के पास जाकर देखती है, जहाँ सिर्फ मिष्टी गहरी नींद में सो रही थी। तब वो खुद को रोक नहीं पाती, वो ध्रुव की तलाश में दरवाजे के पास निकल जाती है। नैना दरवाजे के पास पहुंची तो वो हल्का सा खुला हुआ था। उसी के पास दो लोग खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही नैना थोड़ा और करीब गई, उसे पहले व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो यहाँ वहाँ की बातें बना रही थी, फिर कुछ पागलपन दिखाना शुरू कर दिया ताकि हम उसे छोड़ दें। लेकिन ज्यादा प्रेशर से अब आखिर उसने सब कन्फेस कर लिया है। ऐसा लगता था ये बात किसी के कान में कही जा रही हो, लेकिन इतनी धीमी आवाज से भी नैना समझ जाती है ये रतनलाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या कहा उसने? अब दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। इसे नैना कैसे न पहचानती। पहले शब्द में ही वो समझ गई ये ध्रुव है। जब से वो नैना मैम के अंडर काम करने आई थी, तभी से उसे चिढ़ हो गई थी। उसे लगता था कि वो नैना मैडम से ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, फिर भी लोग उन्हें ज्यादा पूछते हैं। इसलिए कई बार उसने मैम को फंसाने के लिए जाल बिछाया ताकि उन्हें रास्ते से हटाकर वो उनकी जगह ले सके, पर हर बार वो फेल हो गई। उसने ये भी कहा कि नैना को इतना सब बस इसलिए मिला है क्योंकि। ये कहते कहते रतनलाल की आवाज अंदर ही रह गई। कुछ देर तक उन दोनों के बीच साइलेंस छाया रहा। रतनलाल की आगे बोलने की हिम्मत न थी और ध्रुव ये सब सुनकर अपने में खोया हुआ था। वहीं अंदर से ये सब सुन रही नैना का चेहरा पीला पड़ गया। वो मतलब यहाँ एनी की बात हो रही है? कुछ पल शांत रहकर ध्रुव ने गंभीर चेहरे से कहा, आगे बोलो। जैसा मैंने बताया कि वो हमेशा से मैम को फंसाने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढती रहती थी, उसी में उसने बताया कि प्रणय वाले मामले में भी उसी का हाथ था। असल में वो प्रणय से किसी कैफे में मिली थी, जहाँ से उसे पता चला कि प्रणय नैना मैम को पसंद करता है। उसी दिन से उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया और मौका आने पर उस दिन उसे मैम के ऑफिस में एंटर कराया। ये सब प्लान उसने बस इसलिए किया था ताकि नैना मैम के बारे में गलत अफवाह फैला सके, जिससे वे बदनाम हो और उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी आपने सही मौके पर आकर नैना मैम को बचा लिया और उसके प्लान पर पानी फिर गया। दरवाजे पर कान लगाए नैना इतना सब सुनकर हैरान थी। उसे रतनलाल के कहे पर बिलीव नहीं हो रहा था। हमेशा उसके साथ रहने वाली एनी उससे इतना जलती है कि उसके लिए इतना सब सोच लिया। लेकिन उसे अचानक याद आया, इसका मतलब उस वक्त वो ध्रुव ही था जिसने उसकी वायरल न्यूज को फैलाने से बचाया था। और कुछ? ध्रुव चुपचाप खड़ा एक एक बात सुन रहा था। सारी बातें अपने अंदर समा के उसने कहा, उस दिन जब नैना मैम हॉस्पिटल से निकलने में लेट हो गई थी, तब अचानक उनके सामने बहुत सारी बिल्लियां आ गई थीं। उस वक्त एनी किसी और के साथ थी, जिसने उसे ये बात बताई थी कि मैम को बिल्लियों से डर लगता है, तो ये भी उसी का प्लान था। ध्रुव की आंखों में सवाल था। नैना के इतनी अंदर की बात तो उसका कोई बहुत करीबी ही जान सकता था। आखिर कौन हो सकता है जो एनी से मिला है? उसने रतनलाल को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, किसने बताया था? किसके साथ थी उस दिन वो? सर, वो तो अभी हम पता नहीं कर पाए, लेकिन एनी ने बताया कि जब से उसने मैम के साथ काम करना शुरू किया, तभी से वो व्यक्ति उसके कांटेक्ट में था, उसके साथ मिलकर प्लान बना रहा था। नैना मैम को बिल्लियों से डर लगता है, ये बात भी उसी इंसान ने एनी को बताई। वो लगातार एनी को फोर्स करता था ताकि वो नैना को नए नए तरीकों से परेशान करे। हमें ये भी बताया गया कि उसके एनी पर कुछ डेट्स थे, जिनके कारण एनी को उसकी हर बात माननी पड़ती है।
अगर ऐसा है तो जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढो। कुछ भी करके मुझे वो इंसान चाहिए, समझे? एनी के पकड़े जाने से लग रहा था अब नैना का कोई दुश्मन नहीं, लेकिन रतनलाल से इस इंसान के बारे में सुनकर ध्रुव की टेंशन बढ़ गई। इसका मतलब नैना अभी भी सेफ नहीं, उसे अब और अलर्ट रहना होगा। यस सर, रतनलाल ने जवाब दिया, फिर कुछ रुक कर धीरे से कहा, उस दिन रूम में मौजूद सभी लोग ठीक हो चुके हैं, सारे हमारी गिरफ्त में हैं। उनका क्या करना है? रतनलाल के ये पूछने पर उस माहौल में अजीब खामोशी छा गई, क्योंकि वो जानता था ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। उन लोगों ने जो नैना मैम के साथ किया है, इस हिसाब से ध्रुव सर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। रतनलाल की बात सुनकर ध्रुव के फेस पर तीखी स्माइल आ गई। उसने नीचे देखते हुए कहा, अच्छा तो वो सब ठीक हो गए? उन सबको अश्लील फोटो निकालने का बड़ा शौक है ना? लोगों को बहलाकर उनसे गंदे काम कराने का बिजनेस खोल रखा है। ये कहकर ध्रुव कुछ पल शांत हो जाता है, फिर अपनी भारी आंखों से रतनलाल को देखते हुए कहता है, उस दिन उस कमरे में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो सबको खत्म कर दो। दरवाजे के पीछे छुपी नैना ध्रुव के ये शब्द सुनकर डर जाती है। वहाँ जितने लोग थे सबको मार दो? ध्रुव उसके लिए उन लोगों को जान से मरवा देगा? ये सब सोचकर नैना के हाथ कांपना शुरू हो गए। वो वहाँ से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके कांपते पैर से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अचानक गलती से उसके हाथ से दरवाजे का लॉक टच हो जाता है, जिससे हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है, पर बाहर खड़े ध्रुव के लिए इतनी कम आवाज भी काफी थी। वो तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता हुआ रतनलाल से कहता है, बहुत देर हो गई है, अब तुम जाओ, मैंने जो कहा उसे याद रखना। ये कहकर ध्रुव सीधा वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने देखा पीले पड़े चेहरे के साथ नैना कोने में खड़ी है। उसके चेहरे को देखते ही उसकी नजर नैना के पैरों पर पड़ी। तुम बिना चप्पल के क्यों नीचे आ गई? कहकर ध्रुव झुककर उसे गोद में उठा लेता है। नैना बिना कुछ बोले उसके गले में बाहें डालकर उससे चिपक जाती है। ध्रुव उसे लेकर बेड पर लेटा देता है, फिर ब्लैंकेट से उसे कवर कर देता है। ध्रुव को काम करते देख नैना के मन में कई सवाल थे। क्या उसने प्रणय की कंपनी को उसके पीछे बर्बाद कर दिया? वो सच में कमल को जान से मार देगा? अगर वो दुनिया के सामने इतना कठोर है तो उससे इतना सॉफ्ट क्यों? इतने सब सवालों की बेचैनी उसके अंदर इतनी बढ़ गई कि उससे रहा न गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें छुपाने के लिए वो झटके से उठकर ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव उसके हाथ को चेक करता है, ये देखने के बाद कि सब ठीक है, वो धीरे से अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में डालकर उसे शांत करते हुए कहता है, ऐसे नहीं रोते, चलो चुप हो जाओ। लेकिन नैना ने ध्रुव की बात नहीं सुनी और बहुत देर तक ऐसे ही रोती रही। काफी देर तक आंसू बहाने के बाद नैना ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाले हो, लेकिन मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने गलत काम किया है। ध्रुव ने नैना की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सच में? हाँ, अब रोना बंद करो। ध्रुव की बात सुनकर नैना ने अब रोना बंद कर दिया और उससे चिपक कर बहुत देर तक सिसकियां भरती रही। जब एक हफ्ते बाद नैना का घाव पूरी तरह भर गया तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ध्रुव ने उसे कार में बैठाया और उसके घर की तरफ निकल गया। कार घर पर पहुंच चुकी थी। ध्रुव ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारी बाकी चीज लेकर आता हूँ। नैना जैसे ही घर के अंदर पहुंची, उसे वही पुरानी चीजें दिखी। उसकी नजरें घर की चीज देख रही थी कि तभी ध्रुव पीछे से कहता है, तुम थक गई होगी, टीवी देखना पसंद करोगी? हाँ। नैना बाजू में रखे सोफे पर आराम से बैठ जाती है। आखिर कौन है वो इंसान जो एनी से मिला हुआ है? क्या नैना की मुश्किल अब खत्म हो चुकी है? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। हॉस्पिटल से अपने घर वापस आने के बाद ध्रुव ने नैना को सोफे पर बैठाया और टीवी ऑन करके नैना का जरूरी सामान ले जाकर मास्टर बेडरूम में रख दिया।
नैना जैसे ही सोफे पर बैठकर लिविंग रूम को देख रही थी तो उसकी सारी यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। ये एकदम साफ सुथरा था। इस बात से उसे अंदाजा हो गया कि जब ध्रुव ऑफिस में ही रहने लगा था तो पीछे से कोई तो घर की सफाई करता होगा। उस लिविंग रूम में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो इन 5 सालों में अपनी जगह से हिलाई तक नहीं गई थी। उसे याद था कि वो कॉफी टेबल को किस कोने में रखती थी। वहीं लगे शोपीस स्टैंड पर नैना के द्वारा लगाए गए लाफिंग बुद्धा भी उसी कॉर्नर पर रखे हुए थे। सफेद कबूतर की चीनी मिट्टी वाली मूर्ति भी वहीं सजी हुई थी। एक एक शोपीस, एक एक सजावट से नैना की यादें जुड़ी हुई थी। उसे याद था कि वो कैसे इन सबको रोज संभालती थी। ध्रुव मास्टर बेडरूम से निकलकर नैना को लगातार देख रहा था। वो उसे देखकर समझ गया कि नैना किसी कश्मकश में है। उसे पता था कि गौतम लंबे समय तक वापस नहीं आने वाला और नैना और मिष्टी को अकेले उनके घर पर छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये सोचकर ध्रुव ने नैना से कहा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और गौतम वापस नहीं आ जाता है, तुम दोनों मेरे साथ ही मेरे अपार्टमेंट में रहोगे। तुम लोग अकेले नहीं रहने वाले। ध्रुव की बात सुनकर नैना का ध्यान टूटा। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? ये बोलते हुए ध्रुव किचन में चला गया और फिर नैना के लिए एक गिलास में पानी लेकर बाहर आ गया। हाँ, मुझे प्यास तो लगी थी। थैंक यू ध्रुव। नैना ने जल्दी से पानी के गिलास को खाली कर दिया। यू वेलकम नैना। फिर ध्रुव ने नैना से आगे पूछा, क्या तुम थकावट महसूस कर रही हो? चलो चलकर अंदर थोड़ी देर आराम कर लो। ये सुनते ही नैना ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने कुछ चैनल पर नजर डालते हुए नैना के लिए ड्रामा सीरियल लगा दिया और फिर रिमोट नैना के पास रखते हुए वो किचन में चला गया। इस वक्त मिष्टी किंडरगार्टन गई हुई थी। उसे वापस आने में टाइम था। इस बीच नैना टीवी देखने में बिजी थी, मगर बार बार उसकी नजर लिविंग रूम से होते हुए किचन की तरफ जा रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर ध्रुव किचन में अकेले क्या कर रहा है। एक बार जैसे ही उसने चुपचाप उसे किचन में देखने की कोशिश की तो उसकी नजर ध्रुव से टकरा गई। ध्रुव भी उसे ही देख रहा था। अपने आप को पकड़ा हुआ जानकर नैना ने अपनी नजरों को तुरंत झुका लिया। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस्ड हो गई थी। उसने जल्दी से रिमोट कंट्रोल को उठाया और फिर रिमोट पर नजर दौड़ाते हुए कहा, ये सीरियल मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मैं कुछ और लगाकर देखती हूँ। ध्रुव ने किचन से ही जब नैना को रिमोट कंट्रोल बार बार दबाते हुए देखा तो उत्सुकता से उसने नैना से पूछा, क्या ये जो टीवी सीरियल मैंने लगाया था वो अच्छा नहीं था? हाँ हाँ वो अच्छा था, मगर मुझे कुछ और देखने का मन कर रहा है। नैना ने ध्रुव से बिना नजरें मिलाए रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस करना जारी रखा। यहाँ इस वक्त तो भगवान ही जानता होगा कि नैना रिमोट कंट्रोल से टीवी में क्या करने की कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव लगातार नैना को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। फिर भी ध्रुव ने उससे कोई सवाल नहीं किया और फिर गर्मा गर्म सूप बनाकर वो नैना के लिए बाहर ले आया। ये लो और इसे गरम गरम ही पी लो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नैना जो पहले से ही घबराई हुई थी, इस वक्त भी उसके हाथ रिमोट कंट्रोल पर कांप रहे थे। जैसे ही ध्रुव उसे कप देने के लिए आगे बढ़ा तो नैना ने डरते हुए कप को पकड़ लिया, मगर अचानक ही कप प्लेट से पलट गया और घबराहट में कप में भरा सारा सूप नैना के ऊपर आकर गिर गया। आह! नैना गर्म सूप के गिरने की वजह से अचानक चिल्लाई। नैना की चीख सुनते ही ध्रुव परेशान हो गया। उसने नैना को देखा, ये क्या कर लिया, सूप तो बहुत गर्म था। चलो जल्दी से उठो और अपना कोट बदलो, नहीं तो दाग नहीं जाएगा। ध्रुव जल्दी से नैना के पास आया और फिर उसके कपड़ों को झाड़ने लगा। फिर कप को उठाकर उसने कॉफी की टेबल पर रख दिया। नैना ने हाँ में सर हिलाया और फिर कोट को उतार कर ध्रुव को दे दिया। उसके बाद जल्दी से फिर अपना हैंड बैग उठाया और बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी ध्रुव ने उससे कहा, अपने इस हैंड बैग को तुम साइड कैबिनेट में रख देना, कैबिनेट में बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, उसे यूज कर लेना। ओके। जैसे ही नैना मास्टर बेडरूम में घुसी तो उसने कैबिनेट को खोलकर ऊपर से नीचे तक देखा।
तभी पीछे से ध्रुव आ गया और उसके हाथ से हैंडबैग को लेते हुए अपने साइड कैबिनेट में ही खाली जगह पर उसे रख दिया। हैंडबैग के ठीक बगल में रखी अलमारी में जब नैना की नजर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने उसे खोलते हुए देखा, फिर धीरे धीरे उसने पूरी अलमारी को देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसमें अभी भी नैना के कपड़े रखे हुए हैं। कुछ कपड़े जो नैना साथ लेकर गई थी उन्हें छोड़कर बाकी सारे कपड़े अपनी जगह पर थे। ये देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था। क्या ध्रुव ने इन 5 सालों में नैना की किसी भी चीज को नहीं हटाया था? उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंधने लगे। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तभी नैना के रुके हाथों को देखकर ध्रुव ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ मिला? तुम्हें अपनी सारी चीजें वहीं साइड टेबल और ड्रेसिंग पर ही मिल जाएंगी। ये सुनते ही नैना अपने होश में आई और फिर जल्दी से कपड़ों की अलमारी को बंद कर दिया। फिर उसने बगल में रखे साइड टेबल पर देखा। उसमें नैना का पर्स था जो अभी अभी ध्रुव ने रखा था। फिर उसने जल्दी से गर्म कोट निकाला और उसे पहन दिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव कमरे में फिर आ गया। उसने नैना को उसके अचानक अंदर आ जाने पर चौंकते हुए देखा। अरे तुम चौंक क्यों गई? वो तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गया। तभी नैना ने उसे देखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं कोट पहन रही थी इसलिए। ये सुनते ही ध्रुव फिर मुस्कुराया और वापस पलटकर कमरे से जाने लगा। तभी उसने फिर पलटकर नैना से कहा, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आ चुका है, बस मैं प्लेट लगाने जा रहा हूँ। ओके, नैना ने हाँ में सिर हिलाया और कोट को ठीक करते हुए वॉशरूम में चली गई। ध्रुव अब बाहर आ चुका था और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर नैना वापस बाहर आ गई। बाहर टेबल पर ध्रुव ने खाने को लगा दिया था। वो जल्दी से बाहर आकर चेयर को खिसकाकर बैठ गई। फिर धीरे धीरे दोनों खाना खाने लगे। नैना अभी भी खोई हुई थी। ध्रुव ने जब नैना को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने नैना से पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? तभी ध्रुव की आवाज सुनकर नैना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं खाना तो बहुत अच्छा है, बस मुझे कुछ भूख नहीं है। ये सुनते ही ध्रुव ने सूप की कटोरी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक काम करो, ये सूप पियो, इससे भूख बढ़ेगी। उस बाउल में रखे सूप में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर नैना ने झट से सूप की कटोरी ले ली और उसे पीना शुरू किया। ध्रुव ने नैना को फिर रुका हुआ देखा तो फिर पूछा, अरे ये क्या, इसे खत्म तो करो। नहीं ये अच्छा नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं, नैना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। तब ध्रुव ने उससे जिद की, तुम कुछ भी नहीं खा रही हो और अब सूप भी नहीं, वैसे भी स्वाद अभी कैसे आएगा नैना, तुम अभी भी दवाइयां खा रही हो, दवाई से मुंह कड़वा हो जाता है, सूप का टेस्ट अच्छा नहीं है तो भी तुम्हें पीना पड़ेगा, इसे खत्म करो। ध्रुव की जिद करने पर नैना ने जल्दी से सूप को खत्म कर दिया। अब मैं रेस्ट करूंगी। नैना ध्रुव की जिद की वजह से थोड़ा गुस्से में आ गई और मुंह बनाते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव ने भी उसे इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। ठीक है जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ध्रुव की बात सुनते ही नैना सीधा वहां से अपने रूम में आ गई। अंदर आते ही उसने फिर से अलमारी को देखा। वो अलमारी में रखे कपड़ों को फिर से देखना चाहती थी। उसे ये सब एक कोइंसिडेंस लग रहा था। अलमारी खोलते हुए उसने फिर से एक एक हैंगर पर टांगे कपड़ों को देखना शुरू किया। वो अभी भी साफ सुथरे प्रेस किए हुए टांगे थे, जैसे अभी अभी कोई उन्हें टांग कर गया हो। उनमें से नैना को अपने फेवरेट परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। ये स्मेल उतनी ही फ्रेश थी जैसे कोई नहाने के बाद अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे करता हो। इसके बाद नैना वहां से अलमारी को बंद करके सीधा ड्रेसिंग टेबल पर आ गई। ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे को खोलते हुए उसने जैसे ही देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहां पर उसकी पुरानी कॉम, जूड़े में लगाने वाले पिन, यहां तक कि उसकी हैंड क्रीम भी रखी हुई थी। उसने जल्दी से हैंड क्रीम को निकाला। उसे विश्वास था कि ये 5 साल पुरानी ही होगी, मगर उस पर डेट देखते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्रीम पर तो इसी साल की डेट है। वो सोचने लगी कि कहीं ध्रुव ने तो ये लाकर नहीं रखी।
वही ब्रांड, वही स्मेल। ध्रुव ने सब कुछ आज तक वैसे ही रखा था। हैंड क्रीम उसके हाथों में थी और काफी दिनों से हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसके हाथ भी सूख चुके थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से क्रीम निकाली और अपने हाथों पर लगा ली। क्रीम लगाते हुए वो सोच रही थी कि वो भले ही यहाँ ना हो, पर ध्रुव ने उसे यहाँ अपने आसपास ही रखा था। वो उसे अपने पास इन चीजों के जरिए महसूस करता था। वो ये सब देखकर पागल सी होने लगी। वो चीख चीख कर ध्रुव से पूछना चाहती थी कि आखिर ध्रुव ने ऐसा क्यों किया। वो चुपचाप ड्रेसिंग टेबल को बंद करके बाहर लिविंग रूम में आ गई। उसने देखा कि ध्रुव अभी भी डाइनिंग टेबल पर सामान को पैक कर रहा था। वो टेबल को साफ कर रहा था। जैसे ही नैना ने उसे काम करते हुए देखा तो वो उसे कुछ नहीं बोल पाई। तभी ध्रुव ने कहा, क्या हुआ, हाथ में तकलीफ हो रही है क्या? ये सुनते ही नैना ने कहा, तुम वो। नैना का गला सूख चुका था और वो ध्रुव से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। क्या हुआ नैना, कुछ कहना है तुम्हें? ध्रुव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ध्रुव को याद था कि नैना अंदर आराम करने गई थी, मगर अचानक ही बाहर आ गई। हो सकता है उसे कमरा साफ नहीं लग रहा हो। क्या हुआ, कमरा तो साफ है, केयरटेकर रोज आकर साफ सफाई करता है। तभी नैना ने ध्रुव की आंखों में देखा। क्यों, तुम्हें क्यों उन्हें अभी तक रखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मुझे पसंद था, ध्रुव ने एक लाइन में जवाब दिया और उसकी तरफ देखता रहा। असल में ध्रुव चाहता था कि नैना के ना होने का एहसास उसे इस घर में एक पल के लिए भी ना हो। वो बस नैना की खुशबू को उसके कमरे कैबिनेट ड्रेसिंग में बनाए रखना चाहता था। क्या ध्रुव नैना से खुलकर बोल पाएगा कि वो कभी नैना को अपने आप से दूर ही नहीं कर पाया था? क्या वो दोनों आराम से बैठकर अपने पुराने दिनों को, इस घर की यादों को याद कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट FM के साथ।